हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आर्यन आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेक्टिन 100 SR टेबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे इस टेबलेट के बेनिफिट्स, यूज, डोज एवं साइड इफेक्ट के बारे में। उससे पहले दोस्तों, दवाइयों के बारे में जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में घंटी वाली भी बटन को दबा दें, जिससे आपको लगातार नई नई वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रिएक्टिन 100 टेबलेट जिसे सिप्ला कंपनी बनाती है, जिसकी 10 टेबलेट की प्राइस 67 रुपये होते हैं, जिसे आप आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर से या केमिस्ट शॉप से इस टेबलेट को खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस टेबलेट के कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इस टेबलेट के अंदर डाइक्लोफेनिक सोडियम 100 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। दोस्तों, डाइक्लोफेनिक सोडियम एक NASID क्लास की मेडिसिन होती है, जो कि पेन किलर यानी दर्द निवारक का काम करती है। दोस्तों, इस टेबलेट के उपयोग के बारे में बात करें तो इस टेबलेट का उपयोग दर्दों से राहत पाने के लिए उपयोग में लेते हैं, जैसे कि ज्वाइंट पेन यानी हमारे घुटनियों में दर्द हो रहा हो, उस कंडीशन में इस टेबलेट को लेने से उस दर्द से रिलीफ मिल जाते हैं। उसके अलावा मस्कुलर पेन यानी मांसपेशियों में दर्द हो रहा हो, उस दर्द से राहत पाने के लिए आप इस टेबलेट को उपयोग में ले सकते हैं। दोस्तों, कई बार देखने को मिलता है कि दर्द के साथ सूजन और लालीपन आ जाते हैं, तो उस कंडीशन को भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट को उपयोग में ले सकते हैं। उसके अलावा बॉडी यानी शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द हो रहा हो, उस कंडीशन में दर्दों से राहत पाने के लिए इस टेबलेट को उपयोग में डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है या आप ले सकते हैं। उसके अलावा इस टेबलेट का उपयोग दांतों के दर्द में, गठिया का दर्द, अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, सर दर्द, माइग्रेन का दर्द, इन सब दर्दों से राहत पाने के लिए इस टेबलेट को उपयोग में ले सकते हैं। उसके अलावा एक्सीडेंटल या चोट लगने के कारण दर्द, मोच का दर्द, गर्दन का दर्द, इन सब कंडीशन में दर्दों से राहत पाने के लिए आप इस टेबलेट रेक्टिन 100 SR टेबलेट को उपयोग में ले सकते हैं। तो इस टेबलेट का उपयोग शरीर में किसी भी प्रकार के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग में लेते हैं, केवल पेट दर्द को छोड़कर। दोस्तों, इस टेबलेट के डोज के बारे में बात करें तो दोस्तों, ये टेबलेट या अन्य किसी भी टेबलेट का उपयोग अपने से न करें। यदि उपयोग कर रहे हो तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही उपयोग करें। दोस्तों, इस टेबलेट का उपयोग बच्चों में नहीं किया जाता, जो एडल्ट है उसमें दिन में एक बार OD दिया जाता है। यदि आवश्यकता अधिक हो तो इस टेबलेट को दिन में 2 बार भी जरूरत के अनुसार दिया जा सकता है। दोस्तों, इस टेबलेट को खाने के बाद दिया जाता है। दोस्तों, प्रिकॉशन यानी सावधानी के बारे में बात करें तो जो किडनी, लीवर, हार्ट, डायबिटीज के पेशेंट हैं, उसे इस टेबलेट को उपयोग में नहीं देना चाहिए। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं को भी इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता। उसके अलावा जिस लोगों को अल्सर या छाले की समस्या होता है, उनको भी ये टेबलेट प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता। दोस्तों, लास्ट में साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इस टेबलेट को लेने के बाद यदि आपको कुछ कॉमन साइड इफेक्ट दिखाई देता है, जैसे कि उल्टी, मतली, घबराहट, गैस, अपच, अल्सर, खुजली, लाल चकत्ते, मुंह सूखना, दस्त, ऐसा कुछ साइड इफेक्ट दिखाई दे रहा हो तो आप इस टेबलेट को उपयोग में लेना बंद करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। तो ये था दोस्तों रेक्टिन 100 SR टेबलेट के उपयोग के बारे में जानकारी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको लगातार नई नई वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।